नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, हमें रोज कुछ ना कुछ मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने के लिए, ठीक है, कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए। कभी हम प्रॉफिट भी कमाते हैं, कभी हमें लॉस भी होता है। बट मार्केट जिस तरह से चलता है, हमें भी उसी डायरेक्शन की ओर चलना होता है और उस तरह हम प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। तो एक्सपायर डे की बात करते हैं, काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई थी, ठीक है। और साथ ही साथ जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग की ओर अपना ट्रेड लिया था, उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और हमें कब पता चलता है कि हमें कहाँ पर ट्रेड करना है और कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और हमें चेक भी करना होता है, बैक टेस्ट भी करना होता है कि हाँ, हम अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। हमें पेपर ट्रेडिंग पर भी ध्यान देना चाहिए, पेपर ट्रेड भी करना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप किस तरह से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका जो मोमेंटम है, आप किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, यह सब कुछ आपको चेक करना होता है। और आप हमेशा जो आपकी क्वांटिटी होती है वो हमेशा कम रखिए, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए। और काफ़ी अच्छा एक्सपायर डे था, हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। आपको कुछ स्क्रीनशॉट और कुछ फोटोज़ के माध्यम से आपको दिख जाएगा। आपको भी जब ऐसा मौका मिलता है तो आप भी ट्रेड कीजिए और अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपने अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, ट्रेड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट बुक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।